वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बनने जा रही शनवारी कढ़ाई। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। मैंने लिया है आधा किलो चिकन, एक टेबल स्पून लहसुन अदरक, हसबे जायका नमक, एक टेबल स्पून धनिया, ऑप्शनल मेथी है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो ना डालें, एक टेबल स्पून जीरा, एक टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, चार टमाटर और चार हरी मिर्चें बड़ी वाली। ये देखें, पहले जो है हम जीरे को भून लेंगे, उसके बाद जीरे को कूट लेंगे। हमने जीरा जो है भून के उतार लिया, अब हम धनिया कूटेंगे, धनिया भून के फिर इसको कूट लेंगे और जीरे को भी हम कूटेंगे। ये हमने कढ़ाई में 4 से 5 चमचे ऑयल डाला है, अब हम इसे चिकन डालेंगे। ये देखें, हमने इसमें चिकन डाल दिया तेल में, अब हम इसको थोड़ा चिकन इसमें से एक लहसुन की जो हमने लहसुन डाला था उसमें से लहसुन की खुशबू आ रही तेल में डालने के बाद, इसमें हम टमाटर डाल देंगे पूरा, चार टमाटर जो लिए थे उसको ढक्कन ढक के छोड़ दें टमाटर को। ये हमने टमाटर ऐसे इसलिए रखे थे कि हमें इसकी स्किन उतारनी थी। ये देखें, हम टमाटर के छिलके उतार रहे हैं। छिलका इसका इसलिए उतारा ताकि ये टमाटर जो है अच्छी तरीके से चिकन में मैश हो जाए और इसकी एक ग्रेवी बन जाए। ये देखिए, चिकन ने अपना पानी छोड़ा और टमाटर ने अपना पानी छोड़ा, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा गाढ़ी सी ग्रेवी बन रही है इसकी। छोड़ देंगे भूनने के बाद। मेरे पास दही है तो मैं दही डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है आपको डालने की, अगर है तो डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें जो है दही डाली थी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, इतनी ग्रेवी आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अभी हम आपको अगर इतनी पसंद तो आपकी कढ़ाई तैयार है, लेकिन अगर आप कढ़ाई के स्टाइल में खाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा और भूनें, इतना कि ये कढ़ाई का भुना हुआ इसकी ग्रेवी हो जाए। ये देखें, ये भुन गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, बीच से हमने हरी मिर्च काट ली थी। ये देखें, इसमें चिकन भी कितना अच्छे तरीके से कर चुका है, इसका कितना अच्छा कलर आया है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। ये देखें, हमारी शनवारी कढ़ाई रेडी है, हम इसको कढ़ाई में सर्व कर रहे हैं क्योंकि हमने शनवारी कढ़ाई बनाई है और इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और हमने इसको हरी मिर्च से सर्व करा है। बीच में से आप हरी मिर्च काट के इसको सर्व कर सकते हैं उससे। अगर मेरी आपको आज की शनवारी कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलविदा।